चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट का रिजल्ट आ चुका है, आपने देख लिया होगा। अगर फिर भी नहीं देखा है तो आप इस वेबसाइट से cnr.nic.in/services/neet-2023-auth इस वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा है, यानी कि रैंक काफ़ी ज़्यादा जा रही है। 2022 में और 2023 की रैंक में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एक बार मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, 615 पर नियर बाई अभी 2023 में 21,000 रैंक आ रही है स्टूडेंट की, और 2022 में ये 15,000 रैंक थी। अभी 610 पर ये 23,000 रैंक आ रही है, पहले ये 17,000 थी। 607 पर 25,000 रैंक आ रही है, 22 में 18,000 थी। 602 पर 28,000 आ रही है, जबकि ये पिछले साल 20,000 थी। 600 पे 29,000 रैंक आ रही है, पहले ये 21 थी। 590 पर 35,000 रैंक आ रही है, पिछले साल ये 26,000 थी। 500 पे 1,00,000 आ रही है, जबकि ये पिछले साल 84,000 थी। रैंक काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगी इस बार। फिर भी हम एक बार आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि रिजल्ट के बाद, ये रैंक आने के बाद में क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कितना कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा इस रैंक का। तो हम जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कट ऑफ बताएंगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। फिर मैं दोबारा से बोलता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, उसका एक पूरा एनालिसिस लेकर हम आपको बता देंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो ये जानकारी थी रिजल्ट के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के बारे में, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।